आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व खिलाड़ी और यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल एक बार फिर टीम से जुड़ रहे हैं। दरअसल इस बार क्रिस गेल कई बतौर खिलाड़ी आरसीबी का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि अपने पूर्व खिलाड़ी को आरसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर रहा है। क्रिस गेल आईपीएल में आरसीबी का हिस्सा साल 2011 में बने थे, जबकि आखिरी सीजन उन्होंने साल 2017 में खेला। हालांकि क्रिस गेल इसके बाद भी आईपीएल में खेले, लेकिन आईपीएल 2017 के बाद वो पंजाब किंग्स का हिस्सा बन गए थे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है। इस पोस्ट में क्रिस गेल का फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा है कि यूनिवर्स बॉस अपने फेवरेट होम पहुंच चुके हैं, अब ऑफिशियली एंटरटेनमेंट शुरू हो गया है। बहरहाल आरसीबी का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर फैंस को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल आरसीबी ने अपने पूर्व खिलाड़ी क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर रहा है। इसके अलावा दोनों पूर्व खिलाड़ियों के सम्मान में जर्सी नंबर को रिटायर करने का फैसला किया गया है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स के साथ खेलने पर अपनी खुशी का इजहार किया। विराट कोहली ने कहा कि एबी डिविलियर्स ने जिस तरह बल्लेबाजी की, वास्तव में उन्होंने क्रिकेट खेलने के तरीके को बदल कर रख दिया। साथ ही विराट कोहली ने क्रिस गेल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्रिस गेल के साथ आईपीएल में 7 सालों तक खेलने का मौका मिला, ये सफर मेरे लिए बेहद शानदार रहा।